जामशेदपुर से ही अब संसद का भी टिकट काटने वाला है, यानी बीजेपी कितना डरा हुआ है। और एक बात आपको बता दे रहा है, ये दिल्ली तो हिल चुका है, ये JBKSS को कोई मत कम मत समझे ना। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, सब का अंदर में किसी ना कहीं सब जयराम है आज का डेट में। जो को बोलते कपाल फाटे, चो बोलते चुटकी नाचे, यही हाल है। पहले हम लोग जाते थे स्लेट लेके, आजकल लड़का लोग जा रहा है। अभी बीच में क्या हुआ था समझ रहा है ना, पहले हम लोग स्लेट लेके जाते थे, आजकल लेके जा रहा प्लेट लेके। यानी कि बजाते रहो, खाते रहो, खिचड़ी खाते रहो, तुम लोग लिखाई पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। आप देखिए वो लोग जब विधानसभा में हम लोग चुन के भेजते हैं, वो लोग का पीछे देखिए 10-15 बॉडीगार्ड रहता है। आज देखिए मतलब स्कूल में 8 से लेकर 10 तक का बीच में एक टीचर है, एक टीचर गाइड करता है। आप समझिए कहाँ आ लोग का दोसा कोती घुसा रहा है लोग। आज शिक्षा नीति में इतना नीचे गिरा दिया है, वो लोग का एक विधायक का पीछे 10-15 बॉडीगार्ड क्यों है भाई? आप जब जनप्रतिनिधि है तो आपको डर किस बात का है? आप पब्लिक प्लेस में आइए, जो भी बात करना खुला प्लेस बात कीजिए। इतना पुलिस प्रशासन फोर्स आपको क्यों जरूरत पड़ा आपको? अरे इतना हजारों बच्चा का, 500 बच्चा, 400 बच्चा बीच में एक टीचर क्यों है भाई? इसका जवाब कौन देगा? आप पूछिए ना सरकार से, जो को बोलते कपाल फाटे, चो बोलते चुटकी नाचे, यही हाल है आज हमारे स्कूल का। शिक्षा नीति में एकदम जीरो है। सरकार जो वादा किया था क्यों नहीं कर रहा? ये कोई एक बात कर नहीं है। अब हर स्कूल का परिस्थिति यही है, जो कि ये लोग लिखा पढ़ा करेगा तो बुद्धि होगा, तो ये लोग को बुद्धि से कैसे ब्रश करें हम लोग का काम आएगा? आजकल राजनीति नहीं हो रहा, आजकल क्या बोलते हैं राजनेता हो रहा। राज का मतलब पहले जो राजा लोग चलाता था और प्रजा लोग नीचे बैठे रहता था, अपना खेती बाड़ी करो और मेरे को उसका जो भी लगान होगा मेरे को लाके दो, तो वो नीति चल रहा, राजनीति नहीं चल रहा। राजनीति का मतलब क्या है? राज्य का राजा होता। और नीति बनता है कहाँ? विधानसभा में बनता है। तो नीति कैसे बनता है? नीति का सिस्टम बना के कि हम मेरा या झारखंड वासियों को कैसे चलाएंगे, ये नीति बनता है। लेकिन आजकल वो राजतंत्र फिर से आया हुआ है, हम लोग इसको राजनीति का रंग दिया जा रहा है। राज और नीति दो को खंडन करके देख लीजिए आप लोग से, क्या राज्य का भला होगा? और हमारा जो अपना हक अधिकार जो कानून का बात करता है, वही हक अधिकार मेरा जो मांगने जा रहा है, तो लोग को क्या मिल रहा है? डंडा ही ना मिल रहा, और क्या मिल रहा? बाकी ज़्यादा और कुछ बोलेगा तो उसके ऊपर दो केस। आजकल हम लोग का टाइगर दादा भी ठीक बोलता है, 353 एक मजाक बन गया। सरकारी काम में बाधा, कोई भी जाओ अपना नौकरी मांगने जाओ, 353 में बाधा डाल दिया एक केस में। कोई सरकारी कोई ऑफिस में जाने बोलो, आप चार दिन से घुमा रहा होगा, सवाल पूछने जा रहा सर क्या मेरा काम का क्या हुआ, मेरा काम में बाधा डालेगा, डाल दिया उसको भी एक केस। ये तो मजाक बन कर रह गया। हम लोग का टाइगर जो बोलता है ना, एकदम 100% मजाक बन कर गया, सब जान रहा है। और जितना भी यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, सब का अंदर में किसी ना कहीं सब जयराम है आज का डेट में। ये आने वाला समय में 2024 का हम लोग को आगाज है, 2024 में हम लोग निश्चित तौर पे मतलब विधानसभा के अंदर घुसेंगे पूर्ण बहुत मत के साथ। और एक बात आपको बता दे रहे हैं, ये दिल्ली तो हिल चुका है, ये JBKSS को कोई मत कम मत समझे। अभी खबर आया है, आप लोग देखे होंगे, इंटरनेशनल न्यूज़ चल रहा था, तो अब बता रहा आपको, हमारा जामशेदपुर से ही अब संसद का भी टिकट काटने वाला है, यानी बीजेपी कितना डरा हुआ है। आप समझ रहे हैं ना, टाइगर का नाम से पूरा दिल्ली तो खिला हुआ है। ये कम मत समझे, जो लोग बोल रहे हैं ना ऐसा और वैसा नहीं चलेगा। आप झारखंड में अब सारा झारखंड को मालूम है, अब सारा झारखंड जग चुका है। अब कुछ दिन बस, अभी बारिश तो खत्म ही हो गया, अब देखिएगा इसके बाद आपको देखने को मिला। यही मैदान में टाइगर जब आएंगे ना, उस समय का भीड़ देखिएगा आप।